छठ पूजा दुर्गियाना मंदिर अमृतसर में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यह पूजा दीपावली के 6 दिन बाद की जाती है। यह पूजा पत्नी अपने पति, बच्चों और दुख तकलीफों को दूर करने के लिए करती है। यह पूजा 3 दिन तक की जाती है। इस पूजा में औरतें 3 दिन तक व्रत भी रखती है। मंदिर में मनाया जाता है छठ मैया की पूजा, अब के साल धूमधाम से भी मनाया जा रहा है छठ पूजा, और रस्म यहाँ पर बहुत से हुआ है और छठ अच्छी तरह से पूजा मनाई जा रही है। मेरा नाम गुरुदेव पासवान है, मैं दरभंगा जिला का रहने वाला हूँ और ये दुर्गाना मंदिर में भी सर्विस करता हूँ, और मैं इतने साल करीब 30 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। और ये जो पर्व होता है ये 4 दिन का व्रत होता है। पहला व्रत जो होता है चालू स्टार्ट होता है, जो घर में लेडीज जो पूजा करता है अपने पति और बच्चे के लिए शुभकामना के लिए, कोई दुख तकलीफ होता है उसको हरने के लिए ये छठ माता की सूर्य देवता की पूजा करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन सारा दिन व्रत करके सह के उपास करके और हम शाम को मेले यहाँ दुर्गियाना मंदिर स्थान में तीर्थ स्थान में ये मैं हाथ उठाने के लिए आते हैं छठ माता सूर्य देवता को, वो ढलते हुए सूर्य पूजते हैं और हाथ उठा करके फिर अपने घर में जाते हैं और सारी रात हम लोग जाग करके छठ माता के नाम लेते हैं, गीत नाद गाते हैं, जो छठ माता का अर्चना करते हैं। और उसके बाद अगले दिन सवेरे में 4 बजे भोरे उठ करके फिर ये दुर्गियाना मंदिर के सरोवर में आते हैं और उठते हुए सूरज को मैंने हाथ उठा करके हमारे जो माता बहनें हैं जो भी है अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपने दुख के लिए, तकलीफ के लिए सूर्य देवता से अर्चना करता है और मनोकामना मांगता है, और उसकी मनोकामना पूरा हो जाने के बाद उन्होंने कबला रखा होता है, उसकी पूरा हो जाने के बाद उन्होंने छठ माता